मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बागसे बनिया में चल रही श्री राम कथा में आज पांचवें दिन भगवान श्री राम की लीला का वर्णन किया। विशेष रूप से आज भगवान श्री राम के भक्त बारात के साथ में श्री राम विवाह सम्पन्न हुआ। कथावाचक पंडित जितेंद्र भार्गव ने भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हमें भगवान श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। इसमें मुख्य रूप से विधायक श्रीमती कृष्णा गौर उपस्थित रहीं। उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सुंदर सिंह परमार, केवल मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, रामविलास टाले, श्रीमती सुषमा टाले, पार्षद अर्चना परमार, राम बाबू पाटीदार, विश्व हिंदू परिषद के मुन्नालाल साहू, जितेंद्र शुक्ला, धर्मेंद्र परिहार, राम बहादुर कुशवाहा, विशाल सोनी, नारायण सिंह परमार, लल्लन चतुर्वेदी, जानकी विश्वकर्मा, बी एल विश्वकर्मा, रिंकू हेमंत, सोनू मैकस आदि कई भक्तगण मौजूद थे। Thank you.
दिया श्री भागवत रामकथा में आप पधारे। बाग सवनिया हितकारिणी स्कूल के सामने वाले मैदान में 25 अक्टूबर से निरंतर श्री रामकथा का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कथा में उपस्थित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। मेरा भी आज सौभाग्य रहा कि परम पूजनीय आचार्य श्री के मुखारविंद से निकलने वाली अमृत वाणी का स्मरण कर किया। प्रभु श्री राम के विवाह का प्रसंग आज था। प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के इस प्रसंग में हम सब मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी नई पीढ़ी को अपने धर्म संस्कृति से ओतप्रोत करने और धर्म संस्कृति को व्यवहार में लाने की दृष्टि से इस प्रकार के आयोजन बहुत बड़ा माध्यम बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक आयोजन होना चाहिए और इसलिए आयोजक मंडल को श्री ललन चतुर्वेदी जी और उनकी पूरी टीम को श्री राम कथा के इस बहुत सुंदर आयोजन की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। दीदी आप मानसरोवर यात्रा पर भी गए, कैसा अनुभव है वहाँ का? देखिए हर हिंदू धर्म के अनुयायी को भगवान शिव के साक्षात्कार करने के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मुझे भी प्रभु श्री शिव की ही अनुभूति हुई थी और उन्हीं का निर्देश था। बिना बुलावे भोले बाबा का बुलावा कोई जा नहीं सकता। भोले बाबा ने मुझे कैलाश मानसरोवर बुलाया था और इसीलिए जब मैं वहाँ गई तो शिव से मेरा साक्षात्कार हुआ और मैंने महसूस किया कि हमारा धर्म दुनिया का सबसे महान धर्म क्यों कहलाता है, क्योंकि साक्षात शिव कैलाश मानसरोवर में परिवार के साथ विराजते हैं और अपना एहसास भी हमको कराते हैं। इसलिए अद्भुत अनुभूति कैलाश मानसरोवर की मुझे हुई है। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे, इस देश पर बना रहे, देश बने, बाबा से पंडित जी आपकी श्री राम कथा में काफी भक्तजन आ रहे, झूम रहे, आज भगवान श्री राम का विवाह हुआ, इसमें मुख्य रूप से विधायक श्रीमती कृष्णा की ओर भी उपस्थित रही जी। ये रामचरितमानस तो अपने आप में एक आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी का जहाँ नाम आता है वहाँ हृदय में रोमांच होने लगता है, आनंद बनने लगता है। और जब इस क्षेत्र में आनंद की कथा है, रामचरितमानस प्रायः बहुत कम इस क्षेत्र में हुई नहीं, भागवत कथाएं अन्य हुई और भी ग्रंथ हुए, लेकिन रामचरितमानस इस ग्राउंड में पहली बार हो रही है तो लोगों को बड़ा आनंद लग रहा है रामचरितमानस सुनने के लिए। दूसरा भाव, जब हमारे देश में रामलला सरकार विराजमान हो गए हैं, बढ़िया सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में एक कल्पना है कि पहले रामचरितमानस को श्रवण करें, श्रवण करने के बाद फिर अयोध्या जी जाकर बढ़िया रामलला सरकार का हम दर्शन करें, तो वही आनंद को लेने के लिए लोग बहुत भीड़ है, बहुत लोग श्रद्धालु भक्त बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। आज माननीय विधायक जी भी हमारे बीच में पधारे, वो भी बड़े धर्मज्ञ हैं, बड़े प्रेमी हैं कथा के, जहाँ भी कथा में जाते हैं वहाँ बैठकर जो है कथा को श्रवण करते हैं। और भी अन्य पदाधिगण यहाँ पर पधारे हुए हैं, हमारे बाबा अमरनाथ धर्मार्थ समिति के जो अध्यक्ष हैं रामविलास टाले जी भी, ये भी अपने जो है यहाँ पर पूर्ण अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और वैसे तो देखा जाए प्रधान यजमान के रूप में भी आप दोनों ही जो है यहाँ पर विराजमान हैं। बढ़िया आनंद चल रहा है, बढ़िया सुंदर उत्सव है। हमारे ललन भाई चतुर्वेदी जी जो है वो इस आयोजन के आयोजक करता है और सभी ने मिलकर, सभी परिकर ने मिलकर बड़ा अच्छे से इसको संजो के रखा है। और इसी प्रकार से धर्म की ध्वजा को लहराना पड़ेगा। आज के समय में धर्म की धीरे धीरे कमी होने लगी है। कथाओं के द्वारा एक जन जागृति होती है, बच्चों में संस्कार उत्पन्न होता है, बच्चों को संस्कार देने के लिए, लोगों को सही मार्ग पर सही दिशा निर्देश करने के लिए राम कथा और अन्य अन्य कथाओं की आवश्यकता है आज के समय में। सर श्रीमद् भागवत कथा कि अपन यूँ कहें अपार सफलता, धर्म का प्रचार लगातार कर रहे, बाबा भोलेनाथ के परम भक्त के रूप में आप पहचाने जाते हो, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए आप, मैं देख रहा हूँ कि आप जब से कथा प्रारंभ हुई है तभी से आपकी पूरी टीम बैठी हुई है और इस पंडाल में जितने महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग बैठा हुआ था उनका उत्साह आप देख रहे थे। तो इस कथा के आयोजन से हम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं कि हर घर में राम पैदा हो, हर घर में वो एक सोच हो जो माता पिता की सेवा करे, और ऐसे ही हम सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं इन कथाओं के माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से। और सबसे मेन तो आप लोगों का योगदान है इसमें, जो घरा घर कानों कानों में आपके द्वारा ये संदेश जाता है, तो इसके लिए आप सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मीडिया अगर है तो हर कान में वो आ जाती है। और जिस उद्देश्य से ये आयोजन समिति ने
ये प्रोग्राम रखा है इस बस्ती में, उसके लिए हम लोग तो बहुत प्रयास कर ही रहे हैं और सबका सहयोग मिल रहा है, पूरा जन सहयोग मिल रहा है। आज क्षेत्र देखा, अपने क्षेत्रीय विधायक जी आई थी, बाकी और पदाधिकारी थे, क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक थे, इन सब के उससे मार्गदर्शन में कथा का आज पाँचवा दिन था। और आपने देखा है सीता स्वयंवर था, जो इतना सुंदर चरित्र गुरु जी ने बताया, जिसमें सब झूम, माताएं बहना बच्चियां सब झूम रही थी। यही है, तो हमें ही लगा कि हमारा आयोजन, हमारी सोच सफल हो गई। सर नाम बता दीजिए। मैं रामविलास टाले गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबा अमरनाथ धर्मार्थ सेवा समिति भोपाल। मेरा नाम मुन्नालाल साहू है, सिंधु परिषद बजरंगल से जिले में। सर श्री राम कथा में कैसा आनंद आ रहा है? इस राम कथा में तो रस बरस रहा है। आज चौथा दिन था और एकदम आनंद आ रहा है। विवाह हुआ है, राम विवाह, एकदम आनंद आ रहा है। और ऐसा हम तो चाहते हैं कि हर दो महीने में अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं जगह चेंज करके राम कथा करवाते रहें और बहुत आनंद आता है।